नरसिंहपुर से नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट पर मां नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर श्रद्धालु भक्तों की लाखों की संख्या में भीड़ देखी गई। भक्तों की मां नर्मदा में बड़ी आस्था है, उसी आस्था के साथ लोग बड़ी दूर दूर से पैदल मार्च कर मैया नर्मदा जी की पालकी अपने कंधों पर उठाए चलते हैं। पीछे पीछे सभी भक्त चुनरी लेकर चलते हैं और मां नर्मदा जी के घाट पहुंच चुनरी भेंट करते हैं। भक्तों का कहना है कि मां नर्मदा हमारी मुरादों को पूरा करती है और हमें चुनरी चढ़ाकर अच्छा लगता है और मन को शांति मिलती है। मां नर्मदा जी को चुनर चढ़ाकर दीप दान कर चुनरी यात्रा पूरी कर अपने अपने घर पहुंचते हैं। इसी बीच मां नर्मदा जी में आस्था रखने वाले लोग पैदल चलने वाले माता के भक्तों के लिए रास्ते में जगह जगह प्रसादी वितरण करते हैं। कोई खिचड़ी बांटता है, कहीं कोई चाट फुल्की बांटता है, तो कोई पूड़ियां बांट रहा है। इस प्रकार आज भक्ति भाव से नर्मदा जयंती और पर्व नरसिंहपुर जिले में मनाया गया। माँ नर्मदा जी की यात्रा, शोभा यात्रा, चुंडी यात्रा निकाली गई, कहाँ से निकाली गई हुई है? गणेशगंज कहाँ है, पड़ता है ये? छपारा के पास। जिला कौन सा लगता है? यहाँ से कब से कब निकले हुए थे आप लोग? 15 को निकले हुए हैं। और समापन कहाँ हो गए यात्रा का? सूरज कुंड धाम बरमान जी। कब तक पहुँचने का है? 19 तारीख। अच्छा, लगभग कितने किलोमीटर दूर है अपना? अच्छा, क्या बोलते हैं, 150 छपारा से बरमान? 150 किलोमीटर। क्या नाम है आप लोगों का? बोलू डेहरी। कहाँ से आए हैं आप लोग? वही छपारा, गणेशगंज से। पर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से प्रहलाद प्रजापति की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।